के मंदसौर में नारकोटिक्स पुलिस विंग की अभिरक्षा में हुई तस्करी के आरोपी युवक सोहेल खान की मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस पर दबाव बनाने व मामले में सुलह का आरोप लगाया है। मंदसौर नारकोटिक्स पुलिस विंग के कस्टडी में स्मैक तस्करी के राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला निवासी आरोपी युवक सोहेल की मौत के मामले में सोमवार को मृतक के परिजनों व बहुजन समाज संगठन के पदाधिकारियों ने मंदसौर में प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि नारकोटिक्स पुलिस की ओर से मामले में सुलह के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लगातार अलग अलग लोग फोन करके मामले में बीच का हल निकालने का दबाव बना रहे हैं। नाम अजीज़ खान पठान, पुलिस थाना हथुनिया। मैं सोहेल का चाचा बोल रहा हूँ। जो सोहेल की मौत हुई है वो कोर्ट से जो फैसला आया है और उसकी FIR दर्ज हो गई और अभी तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी और हमें धमकियाँ मिल रही है और हमारा प्रशासन कोई इधर उधर कोई ध्यान नहीं रख रहा है, मगर हमारी कस्टडी चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और नारकोटिक्स विंग के जो अधिकारी हैं ये हमारे पे धमकियाँ प्रेशर आ रहा है कि तुम्हें हम फंसवा देंगे, हमारे को बहुत खतरा है इनसे कि इनकी जल्दी गिरफ्तारी हो जाए और नहीं हुई गिरफ्तारी तो आंदोलन जारी रहेगा फिर 2-4 दिन में। मेरा नाम अजीज़ खान पठान, निवासी हसावता, पुलिस थाना हथुनिया। अपराधियों को पकड़ा जाए, अविलंब इनकी गिरफ्तारी की जाए और हमारी जान की सुरक्षा की जाए। और हमें जान का खतरा है, मेरे परिवार को, मुझे और मेरे जितने भी गवाह हैं इस केसेस के सबको हमारी जान का खतरा भी है कि हमारे साथ कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि ये नारकोटिक सेल के अधिकारी जो है बहुत ही शातिर दिमाग के हैं और कुछ भी खेल सकते हैं, चाहे झूठे प्रकरण में किसी में भी फंसा सकते हैं। क्या घटना क्या हुई थी? घटना ये है, 2 अप्रैल के दिन मेरा भतीजा और साथ में आसिफ दोनों ये मंदसौर आए थे कपड़े खरीदने शादी के। इनको यहाँ पे टोल नाके के यहाँ से टोल नाके से पहले लगभग 3 बजे के गिरफ्तार कर लिया गया।